नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के 200 प्रोफेसर ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा डीन को सौंपा। जानकारी के मुताबिक आज मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे सातवें वेतन, बता दें आपको कि सातवें वेतन मान, वेतन वृद्धि और पदोन्नति को लेकर डीन को इस्तीफा दिया। इस दौरान लगभग 200 प्रोफेसरों ने इस्तीफा देते हुए 9 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कहा कि सातवां वेतन मान 2016 से सभी विभागों में दिया जा चुका है, लेकिन सिर्फ मेडिकल प्रोफेसरों का सातवां वेतन मान लागू नहीं किया गया। कई बार मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने संबंध आवेदन से लेकर पत्राचार तक किया, लेकिन प्रोफेसरों की मांगों को अनदेखा कर दिया गया। इस्तीफे के तारतम्य जो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हैं पूरे मध्य प्रदेश के, इस्तीफा दे रहे हैं। आज जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लगभग 80% लोगों के इस्तीफे दिए जा चुके हैं। आज हमने वो डीन को सौंप दिए हैं। यह जो इस्तीफा है, ये एक तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हमारे टीचर्स के द्वारा, जो 9 तारीख से लागू होगा। हम लोग 9 तारीख से काम अपना बंद कर देंगे। यह विरोध हमारा सातवें वेतन मान में शासन द्वारा विसंगति पूर्ण तरह से बनाया गया है, इसलिए इसको हम अस्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि 1/1/2016 से जैसा अन्य मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया है, कम से कम उतना हमारे लिए करें। इसके अलावा NPA की डिमांड है हमारी, और तीसरी डिमांड है मेडिकल रिइंबर्समेंट, समयबद्ध वेतन मान और प्रमोशन। रोष में हम लोग हैं सारे जितने भी चिकित्सा शिक्षक, और हमने 9 तारीख की हमने उनको डेडलाइन दी है। 9 तारीख के दिन हम लोग सब काम करना बंद कर देंगे। बहुत बहुत प्रभावित होगा। आप सोचिए, जितने कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे, जो कि जूनियर डॉक्टरों को हम लोग देख के उनको पढ़ाते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं, फिर दूसरा उनको बताते हैं कि कैसे इलाज करना है। अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो जूनियर डॉक्टर्स क्या करेंगे, आप बताइए। हमारे बगैर जूनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ आ जाएंगे, और वो भी उनमें भी रोष व्याप्त होगा कि हम लोग टीचर्स नहीं हैं, उनका भी नुकसान होगा। दूसरा, जो इतने 3-4 हज़ार मरीज जो आते हैं हर दिन, उनका भी नुकसान होगा। इतने ऑपरेशन जो होते हैं उनका भी नुकसान होगा। वो सब ऑपरेशन टल जाएंगे, वो ऑपरेशन नहीं होंगे, और इसने बहुत ज़्यादा ये स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होने वाली, टोटली ठप हो जाएगी। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।